नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपके साथ चूर चूर नान की बहुत ही टेस्टी सी और बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अधिकतर हम इसे खाने के लिए होटल में जाते हैं, आप घर पे बनाइए बहुत कम चीज़ों से और रियली बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है ना। इसे हम आटा और मैदा दोनों से बनाए। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। यहाँ मैं 1 कप गेहूँ का आटा ली हूँ और 1/3 कप मैदा। हल्का सा मैदा और गेहूं के आटे से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ हम 3.5 TBS यानी 3.5 बड़े चम्मच घी या बटर मेल्टेड डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, जस्ट नान को क्रिस्टलाइज करने के लिए। इससे नान में थोड़ी भी मिठास नहीं आएगी। यहाँ 1/2 TSP यानी छोटे चम्मच, आधे छोटे चम्मच से भी कम, थोड़ी सी कम हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेकिंग सोडा आप बिल्कुल हिसाब से डालिएगा, 1/2 छोटी चम्मच डालिएगा, नहीं तो उससे भी थोड़ी सी कम ही डालिएगा। यहाँ हम कोरिएंडर डाले हैं, धनिया की पत्ती है ना। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक मिक्स देंगे। दही डालने की वजह से हमारे आटे में थोड़ी मॉइस्चर आ गई है, तो इसे थोड़ी सी ये बन गई है। और बाकी हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग कर लेंगे। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा देंगे। मैं यहाँ पानी की मात्रा आपको नहीं बता रही हूँ, आप देखिए जितनी पानी लगेगी उतनी ही डालिएगा धीरे धीरे करके। थोड़ी सी मैं बटर लगाई हूँ हाथ में, थोड़ी थोड़ी बटर लगा करके इसे पंच करेंगे। पंच करने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ मैं 1 बाउल ली हूँ। यहाँ 3 थोड़े मीडियम साइज के बॉयल आलू को मैं ग्रेट कर ली हूँ और यहाँ ग्रेटेड पनीर 1/2 कप, इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड की हूँ। यहाँ स्वादानुसार नमक डालूँगी, थोड़ी सी चाट मसाला 1 टेबल स्पून और आधी लेमन को स्क्वीज कर दूँगी। यहाँ पर 2 हरी मिर्च को मैं कट करके डाल रही हूँ। आपको यदि तीखी ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसे एक अच्छा सा मिक्स कर बना देंगे। ये जो बैटर है इसमें मैं छोटी छोटी कटी हुई ऑनियन डालूँगी और छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए अदरक। यहाँ मैं धनिया की पत्ती जो कट की थी उसे आधा मैं इस बैटर में डाल दूंगी और आधा रखूंगी आगे यूज़ होगी, और एक मिक्स दे देंगे बहुत अच्छी तरह। यहाँ आधे घंटे हो गए हैं आटा को लगाए हुए हमारे, नान के जो आटा में लगा के रखी थी इसे एक अच्छा सा पंच देंगे और पूरे आटे को ले करके जो मैं लगाई थी उसे एक बड़ा सा लोआ बनाएंगे। मैं लोआ बना के आप थोड़ा सा मैदा या आटा कुछ भी डस्ट कर लीजिए और इस बड़े से लोए को बेलन की हेल्प से बहुत एक बड़ा सा रोटी बनाएंगे। आप प्लेटफॉर्म पे डाल करके एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बेल लीजिए, जिस तरह मैं बना रही हूँ। धनिया की पत्ती की वजह से देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब घी या बटर आप ले लीजिए, मैं बटर ले रही हूँ मेल्टेड। इसे एक अच्छा सा चारों तरफ मैं 1 लेयर बटर का लगा दूंगी। ये चूर चूर नान है, इसमें तो बटर की प्रचुरता बहुत ज़रूरी है। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बटर इसमें जाती है तभी ये बहुत अच्छी चूर चूर नान बनती है ना। इसे एक अच्छा सा बटर का लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर जो मैं कोरिएंडर जो रखी थी उसे मैं छिड़क दूंगी और इसे जिस तरह मैं रोल कर रही हूँ आप देखिए, एक साइड से उठा के इसे राउंड राउंड करके इस तरह से मैं रोल करके एक अच्छा सा टाइट सा मैं इस तरह से लंबा सा आकार बना दूंगी। और अब इसे बराबर भाग में आप कट कर दीजिए। मैं पहले मिडिल में कट कर रही हूँ, फिर साइड से कट कर रही हूँ। ये पूरे
छह पार्ट में डिवाइड हुए हैं। इसे देखिए, मैं जिस तरह से लेके गोल बना रही हूँ, इसे सभी जो किनारे में कटिंग वाले पार्ट है उसे मैं उठा के एक तरफ साइड में करूँगी और बैक तरफ में बिल्कुल चिकना सा डो बनना चाहिए और जितने हमारे रफली पार्ट है वो सारे अंदर चले जाने चाहिए, है ना। कटोरी नुमा शेप देंगे और इसमें जो मैं बटर बना करके रखी थी मैं स्टफिंग के लिए, उसे अच्छी तरह फील करेंगे। फीलिंग में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, जितनी आ जाए उतनी कीजिएगा और एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। देखिए मैं फिर दिखा रही हूँ, जितना रफली पार्ट है उसे मैं किस तरह अंदर तरफ कर रही हूँ, ऊपर तरफ में बाहर की साइड में बिल्कुल स्मूथ पार्ट रहेगा, है ना। और इस तरह कटोरी का नुमा दे देंगे सेप। ये जो रफ पार्ट मैं अंदर डाली हूँ इसी की वजह से नान जो है बिल्कुल चूर चूर इसमें बनती है, बहुत अच्छी लुक आती है ना। स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से भरिएगा और इसे बंद करके एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। अब मैं एक एक पेड़े को उठाऊंगी, थोड़ी सी मैं मैदा डस्ट करूंगी या आटा डस्ट कर लीजिए आप, और इसे हाथ की सहायता से हथेली से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बेलन का प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं तो ये आटा भी बहुत सॉफ्ट है और सारी जो फीलिंग है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, है ना। हल्की हल्की फीलिंग झाकेगी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी नान बनेगी। ऊपर में बटर लगाएंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी धनिया की पत्ती जो कटिंग की हुई थी उसे मैं लगा दूंगी और बैक साइड में एक लेयर में पानी का लगाऊंगी और इसे पहले से प्री हीट किए हुए तवे पे मैं पानी के साइड को नीचे तवे की तरफ रखूंगी और इसे अच्छा सा एक ब्राउन कलर आने दूंगी। गैस को मीडियम कर दूंगी, हाई पे न रखिएगा, धीरे धीरे ये सिकेगी और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, ब्राउन एकदम, है ना, बहुत अच्छी सी की है हमारी ये चूर चूर नान। हल्का सा स्पैचुला से मैं दबा दूंगी ताकि दूसरी तरफ भी बहुत अच्छी सी कलर आ जाए। ये देखिए दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह सीख चुकी है। अब इसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आप इसे गैस पे रख के इस तरह से थोड़ा सा सेक लीजिए, इससे हमारे नान में बहुत अच्छी सी एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगी। ये बहुत अच्छी तरह सीख गई है और ये स्टफ चूर चूर नान रियली गाइस बहुत स्वादिष्ट लगती है। बनने के बाद इसके ऊपर अब बटर अच्छी तरह लगा दीजिए और इसे इस तरह हथेली से थोड़ी सी दबा दीजिए ताकि ये चूर चूर हो जाए, है ना, तभी तो इसका नाम पड़ा है चूर चूर नान। और ये खाने में रियली बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे छोले के साथ, पनीर की सब्जी के साथ या अपनी मनपसंद चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं इसे वेजिटेबल रायता बनाई थी उसके साथ सर्व की हूँ। किसी भी चीज़ के साथ आप खाइए, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और मेरी गुजारिश तो पता है आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक हमें बहुत खुशी प्रदान करती है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।